वहीं बांसवाड़ा के गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय की दीवार को नगर परिषद की ओर से तोड़े जाने के बाद आक्रोश बना हुआ है। विभिन्न छात्र संगठनों के पदाधिकारियों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। कार्रवाई संभागीय आयुक्त नीरज के पवन के निर्देश पर यह की गई थी। छात्रों ने इस कदम के विरोध में कॉलेज परिसर में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया और दीवार को दोबारा बनाने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि अगर दीवार को फिर से नहीं बनाया गया तो अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। कल संभागीय आयुक्त नीरज के पवन द्वारा जो कॉलेज की जो बाउंड्री है उसको बिना नोटिस दिए बिना जानकारी में डाले उन्होंने आए एवं गुंडागर्दी के तरीके से उन्होंने उस बाउंड्री को तोड़कर 25 फीट जमीन का अतिक्रमण किया, जिसका हम पूरी तौर से विरोध कर रहे सभी छात्र संगठन मिलकर एक साथ यहाँ पर छात्र शक्ति के साथ में धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक ये यथावत बाउंड्री नहीं बनाई जाती। आज नीरज पवन द्वारा कल महाविद्यालय की बाउंड्री जो उनके तानाशाह द्वारा तोड़ी गई है, इसी प्रकार नीरज पवन द्वारा पहले भी महाविद्यालय की बाउंड्री तोड़ दी गई थी और ना इन्होंने ना प्रशासन को ना ही महाविद्यालय के प्रिंसिपल को ना नोटिस दिया कुछ नहीं दिया और बिना जानकारी में उन्होंने अपने उस तानाशाही की वजह से उन्होंने पूरी दीवार को अतिक्रमण करा और उनका कहीं ना कहीं भूमाफियों से संपर्क है। किसी न किसी का ये खुद का निजी स्वार्थ देखते हुए कॉलेज को नुकसान पहुँचा रहे हैं।